हाँ हाँ जरूर परेशान कर दिया। हाँ 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 ऑन है, हाँ जरूर आ जाएगा, कल आ जाएगा वीडियो, कल आ जाएगा, हाँ कल आ जाएगा। हाँ तो ठीक है, धन्यवाद उसके लिए। हाँ तो भाई क्रेज है, क्रेज जहाँ जाओ भाई वहाँ क्रेज मिलती है, सिल्क रोड राइडर। मतलब उधर भाई काफ़ी ट्रैफिक था, और भाई ये तो बच्चा था ना, ये तो भाई घर के पास से ही एकदम सेवाएं मिलते आ रहा था हमसे। बस यहाँ पे भाई अभी एग्जॉस्ट की कमी, अगर एग्जॉस्ट लगा लेंगे तो भाई यहाँ पे भी तेरा भाई फाड़ के रख देगा। तो खैर वो भाई लोग को पहले आने देते हैं। ये पता नहीं कहाँ पहुँचे भाई। कौन सा रोड पहुंच गए बेबे? राम राम भाई लोग, तो अपन आ चुके हैं फिर से वापस अपने नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज हम चलने वाले करोल बाग है मैं, और हमारे साथ जाने वाला अक्की भाई, और देखते भाई मतलब वहाँ पर का क्या सीन बनता है, क्योंकि कुछ सामान वगैरह का भाई बस पता करना है, अगर हो भाई बजट में आ गए तो भाई ले भी लेना है तुरंत से एकदम भाई बिना देरी किए हुए। तो देखते हैं भाई हमारे अक्की भाई कहाँ है, और तब तक वो भी रेडी हो रहे, तब तक भाई देख लेते हैं एक आध ट्रिप मार ले तो भाई मज़ा आ जाए, सामान वगैरह खरीदने में आसान पड़ेगा। तब चेक करता हूँ गाइस जब भी क्या सीन बनता है, और फिर गाड़ी धुलाने का भी भाई सोच रहे हैं, मतलब गाड़ी धुलवा लें। बस गाड़ी धुलाने का भाई सोच रहे हैं। जाना तो अभी पहले करोल बाग, करोल बाग में देखते हैं उधर क्या क्या सीन होता है, करोल बाग कैसा है भाई जिंदगी में, भाई फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं करोल बाग। और आप लोग बताना भाई, आप लोग कभी गए हो क्या करोल बाग, और करोल बाग वाली हमारी ब्लॉग कैसी भाई ये भी बताना भाई कमेंट करके। लेकिन भाई उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा भाई हमारा पूरा वीडियो। तो क्या बात है गाइस, देख लेना। और ये तो भाई बोल रहा है लाइब्रेरी साइड आने को, और लाइब्रेरी तो भाई अपन इसका देखा ही नहीं, तो चलो पहले लाइब्रेरी इसका ढूँढ लेते हैं। क्या कर रहा है भाई, निकालना भाई निकालो फटाक से। तो फाइनली हमारे अक्की भाई आ चुके हैं एकदम से। करोल बाग में मिलेगा क्या चीज, तो क्या बोलते कैमरा उधर सस्ता पड़ेगा, सामान वगैरह सब भी बस सुने थे। हाँ तो भी देखेंगे ना बाइक देखना, तब चलो करोल बाग। और इसके बाद सामान वगैरह 360 गोपलो चांदनी चौक में मिलेगा। हाँ चांदनी चौक बहुत फेमस है, सब जगह चांदनी चौक में मिलता है। वहाँ पे कैमरा वैमरा कपड़ा वपड़ा मिलता है। चलो सबसे पहले कहाँ जाना चाहोगे, करोल बाग कितना किलोमीटर किधर, मतलब लोकेशन मारना पड़ेगा। अच्छा करोल बाग ज़्यादा दूर नहीं है, दूर तो नहीं है, 16 किलोमीटर है। तो फाइनली हम तो यहाँ पे लगा चुके हैं मैप, और मैप को देख के चुप चलते हैं हम, और अक्की भाई दोनों साथ में निकल रहे हैं। या क्या चीज़ हेलमेट 350, क्या करे लेना था ले लिए। हाँ नहीं दुकान से पुलवा पर हमको कहीं मिलवे नहीं क्या, पूरा दौड़ इधर से उधर, पूरा सीपी साइड उधर से इधर पूरा एकदम। तो चलो भैया अब इधर से निकलते हैं पहले फटाफट से एकदम, और करोल बाग का रास्ता देखते हैं भाई कैसा है।
अबे तेरी रात की देख रहे हो भाई, यहाँ पे कार सब भाई क्या लग्जरी सब कार एकदम दिखती है, एकदम हैवी सब भाई, मजे है जिंदगी में। तो खैर करोल बाग और 8 किलोमीटर है यहाँ पर से, 8.5 किलोमीटर। अरे उधर जाना था देख, नहीं नहीं कार्ड देख रहे हो, कार्ड क्या चीज स्टेडियम है ये। ओहो तो गाइस ये देखो स्टेडियम, हमारा भाई दिखा दिया ना स्टेडियम, हमें तो भाई पता ही नहीं था ये स्टेडियम है। इधर हम आए थे रात में, इधर हम आए थे रात में एक दिन। अच्छा कहाँ पे? अच्छा दिन में आने के बाद में मज़ा ही अलग है यहाँ पर का, दिन में आने का मज़ा ही अलग है। रात में हम आए थे इधर, पूरा खाली रोड मिला था एकदम। ओह G20 भाई चेक करो, इंडिया गेट, इंडिया गेट दिखा रहे पब्लिक को। कोई बात नहीं ब्रो, किसी और दिन आएंगे एकदम अच्छे से, तब आपको इंडिया गेट और बढ़िया से दिखाएंगे एकदम भाई, करीब से जाके उसके एकदम ईट छू के दिखाएंगे आपको। अभी तो करोल बाग जाना है इस वजह से अभी नहीं दिखा रहे मतलब उतना अच्छा तरीका से, क्योंकि भाई नया नया रोड है हमारे लिए, ध्यान देना पड़ता है आगे थोड़ा सामने। फाइनली गाइस हम आ चुके भाई करोल बाग, करोल बाग तो आप देख ही रहे हो मतलब भाई खाली बस बाइक का सामान से भरा पड़ा है। इधर चलो देखो भाई बस बाइक ही बाइक का सामान। अब यहाँ पे आके भाई हम तो कंफ्यूज हो गए भाई, कहाँ जाएँ कहाँ नहीं क्या करें, ओ भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना सारा दुकान देखने को मिल गया आज एक साथ। तो चलो सबसे पहले गाड़ी करते कहीं भी पार्क और इसके बाद फिर यहाँ पर से चलते हैं। दोस्त गाड़ी लगाने की जगह ढूंढो। हाँ हाँ चलो पहले इंडिकेटर देखते, गाड़ी में इंडिकेटर ने यहाँ देखते हैं इंडिकेटर भाई कितना सस्ता पड़ता है। हाँ? ये देखो भाई बस इधर बाइक के इंडिकेटर वगैरह सारा कुछ। भाई इतना सारा सामान देखे भाई हम खुद कंफ्यूज हो गए मतलब क्या करें क्या नहीं। और देखो यहाँ पे दे, यहाँ चलोगे क्या? अरे भाई सामान सब तो इधर दिख रहा है बे।
तो चलो भैया यहाँ पे देखते हैं, मतलब भैया के पास थोड़ा सामान वगैरह। चलो इसका देखते हैं गार्ड, इसका गार्ड वगैरह थोड़ा दिखाइए। हाँ क्रैश गार्ड, हाँ B4। क्रैश गार्ड ये भैया कितना कवर करेगा भाई? ये आपका ये कवर करेगा क्या? कवर चेक करे कितना करेगा ये? कहना तो फिर वीडियो मारेंगे। अच्छा लगा हुआ दिखा दो आप। सैयद लगभग पूरा बचा लेगा। इसका कितना कॉस्ट पड़ेगा? 2200 का दोनों साइड का। अच्छा सही है। रेड भाई आ गया हैवी है ना भाई? हल्का वाला नहीं है, हल्का वाला आप एक इस एल्युमिनियम से भी उठा लो। हैवी होता है सर। ये पड़ेगा 2200 के आसपास। और एग्जॉस्ट तो उधर से मंगाइए रहे। और भैया इसके लिए कोई इंडिकेटर पीछे के लिए? इसका पीछे वाला भी आता है, एक छोटे वाले चल रहे हैं आजकल वो। हाँ छोटे वाले चल रहे हैं, छोटे वाले दिखा रहे हैं। और इसमें भी चेंज होते हैं ना लाइट? नहीं मेरा ख़राब हो गया, ये दोनों ख़राब हो गए। ये तो ख़राब ही हो गए, कंपनी वाले हैं। कोई नॉर्मल ही हाल सकता है। क्या प्राइस है? ये पड़ेगी आपको 3000। बहुत महंगा भैया यार, मैंने लगवाया है थोड़ी कितने का? उस टाइम लगवाया था 180 का। ये HJG वाला है, यही लगवाया हूँ यार। ये देखो ना, ये नहीं ये दूसरे तरह चाहिए थोड़ा। ये और ये दोनों डिजाइन मिल जाएगा क्या? लग जाएगा, ये लग जाएगा 270 में जानता है। चारों लगवाए थे, चारों लाइट चेंज करवाए। 270 में चारों? ये वाले? हाँ ये वाले। मैं फ्री में लगा दिया था भाई, लगाया नहीं लगाया। 270 में अगर ये मेटल वाले होंगे ना मैं फ्री में लगाऊँ। और इसकी लाइट कैसी है? लाइट जला के दिखाओ समीर भाई। भाई लाइट जला के दिखाओ, येलो वाली सुनता पूरी। रेड है आपको, येलो वाला लाइट। रेड है येलो, येलो का भैया येलो मिल जाएगा। नहीं अभी ऐसे बाद में आएंगे, इसको भी लगाना है, इंडिकेटर भी लगाना है। कर लगवा लो रेड तो, ऐसी बात नहीं भाई, कर लेंगे रेड। नहीं ऐसे एक भाई है ना, भाई के साथ आएंगे, उसका यहाँ पर अच्छा जान पहचान है, मतलब वो सामान वगैरह ले जाता है यहीं पर, मतलब बोला जाके एक बार तुम पता कर लेना, इसके बाद फिर हम जाएंगे। आपको फिटिंग, वैसे इसकी फिटिंग 300 रुपये होती है क्रैच वैच की, आपको फिटिंग करके 2000 रुपये का देंगे। नहीं फिटिंग तो अपने से कर लेंगे, आप लेके जाओगे। आप एक काम करो इसके मुझे दे देना भैया 1700। कितना महंगा है? नहीं नहीं भाई आएगा ना साथ में, वो मतलब टोटल कर लेगा, वो मतलब उसका शॉप ही है। तो गाइस चलो
1200-1300 पड़ेगा इसका अधिक से अधिक। हाँ इधर बाइक का दुकान नहीं मिलेगा लगता है, बाइक का गली फिर आगे ये मिलेगा इधर से। अरे मजा आ रहा है लेकिन बौखने में इधर। तो फाइनली भाई यहाँ पर तो भाई एक चीज़ बस खरीदे, ड्यूक 390 का बैंड पाइप जो हमारे अभय भैया भी लिए हुए हैं तो उनको यहाँ पर से भिजवा देंगे। ऐ दोस्त गाड़ी कहाँ चली गया? कौन धक्का दिया भाई? आगे 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 है तो देखो भाई। तो चलो अब चलते हैं, ये पाइप को भाई रखते हैं अक्की भाई के बैग में। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग गया, ये ले इसको रख लो अक्की। किधर सीधा निकलोगे? चांदनी चौक? चांदनी चौक अब जाने से पहले निकलोगे? ऐसे होगा रास्ता अभी रास्ते में बहुत जाम होगा, जाम होगा काम कर रहे हैं। थ्री सिक्सटी का बहुत दुकान होगा वहाँ, 360 इंस्टा 360 कैमरा का। लेकिन शाम वाला में क्या होता है ना कि तुमको सामान नहीं मिलेगा, फिर सब साइड कर देता है। क्यों सामान चाहिए थोड़ी बनवाना है? तो अभी नहीं जाओ, तुमको जानता है चांदनी चौक जाने के लिए 1-2 बजे जाना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, तो तुमको शाम में 4 बजे तक तुम्हारा लेगा ही नहीं, सामान ही नहीं लेगा। लेगा भी तो कल ले बोलेगा कि कल ले आके लीजिएगा देगा। वाह वाह, मैं तो कम से कम पता चल जाएगा कितना खर्च लगेगा। चलो देखिए रात होगा भाई बहुत, ऐसा ट्रैफिक को घुमा लेंगे तुरंत हम। नहीं बोलो भाई, बता दिए हमें हमारे भाई ने। तो खैर चेक करते हैं भाई, मैप लगाते हैं चांदनी चौक का और इसके बाद यहाँ पर से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर से बस 4 किलोमीटर है। चलो ओ ये आने वाला है, लेकिन बीड़ी पी रहा था स्वैग से। लो भैया आम पत्थर राटे को ऑर्डरी है भाई, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ, ट्रैफिक भाई ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से करोल बाग से, इंडिकेटर वगैरह सोचे थे लेंगे लेकिन खैर अब नहीं लेंगे भैया, इतना ट्रैफिक लगी पड़ी है ना यार, बैंड बजी पड़ गई हमारी, बहुत गंदा ट्रैफिक लगता भाई दिल्ली में। और इधर का भाई रास्ता वगैरह उतना भाई क्लियर नहीं है तो कैसे पता चलेगा भाई हमें जाना कहाँ, अभी तो हम नए नए लौंडे हैं यहाँ पे आने वाले। तो गाइस हम आ चुके हैं चांदनी चौक, चांदनी चौक यहाँ पर से बस 900 मीटर दूर है। और यहाँ पे देखते भाई क्योंकि 360 बनवाना है उसमें देखते कितना प्राइस वगैरह लगेगा, सारा कुछ चेक करना भाई क्योंकि फटाफट भाई 360 बनवाना है, इसके बाद बढ़िया बढ़िया रिएक्शन लाना है, बन्नी लगाना है, एग्जॉस्ट लगाना है। तो गाइस चलो अब यहाँ पर से निकलते हैं भाई वापस के साइड ही क्योंकि भाई इतना ट्रैफिक है ना भाई हमसे ना हो पाएगा अब। हाथ दर्द भाई आज कोई काम नहीं हुआ, बस अभय भैया का एक बैंड पाइप लिए हैं और कुछ नहीं। चलो वापस चलते भाई अपने अपने क्या बोले दोस्त, अपने लक्ष्मी नगर ही बढ़िया है दोस्त ट्रैफिक के मामले में हमारे लिए, अभी थोड़ा वहाँ देख लिए तो भाई गली कुछ होकर निकल जाते हैं। हाँ काफ़ी ज़्यादा बैंड बजी पड़ गई भाई, इतना गंदा स्थिति। अरे भाई भाई तो चलो भाई जाम से थोड़ा बाहर निकल गए। और अरे भाई बिल्डिंग में देखो भाई का तगड़ी लगी सबे, ओहो गजब। और अब यहाँ से भाई रोटेशन लेना है गोल गोल थोड़ा,
क्योंकि भाई दिमाग हो चुका है हमारा ख़राब भाई, इतना जाम, बाप रे बाप। चलो उबर को एवरीवन। ओ भाई साहब बढ़िया है, डॉक्टर एस पी मुखर्जी। ओह भाई का हीरो लग रहे हैं उसमें, शीशा में देख रहे हैं अपने आप को थोड़ा, का गर्दा।